वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने एक चैनल पे। आज बच्चों, बहुत सारे बच्चे के मन में एक सवाल होता है क्योंकि क्लास 11, 12 आपका पैंडेमिक के सिचुएशन में गया है, ना कोई प्रैक्टिकल एग्जाम लिखते समय बहुत सारे ऐसे दिक्कतें आ रही थी। मुझे सवाल पूछ रहे थे बच्चे कि सर, क्या HSC बोर्ड में कौन सा पेन इस्तेमाल करना चाहिए? ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है और मैं जब बोलूंगा बेटा, वो ऑथेंटिक बोर्ड के हिसाब से बताऊंगा। जो भी ऑथेंटिक एक बोर्ड की बुक आती है उसमें जो रूल्स दिए हैं उसकी बात करने वाला हूं। तो कौन सी पेन इस्तेमाल करना चाहिए सर, थोड़ा सा गाइडेंस कर लीजिए। तो चलो यार, मैं यहां पे आप लोगों को सबसे मेन बता देता हूं कि आपने जो बुक है वो बुक इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर वन वो है बेटा ब्लू पेन। सर ब्लू पेन क्यों, इसका कारण सुन लीजिएगा। नंबर वन बेटा, इसका कारण यह है कि जो एग्जामिनर जो होता है उसको रेड पॉइंट इस्तेमाल करना पड़ती है पेपर चेकिंग करते समय। नंबर दो, जो मॉडरेटर रहता बेटा, कौन मॉडरेटर, उसको रहती है बेटा ब्लैक पेन से चेक करता, मतलब रेड पेन से एग्जामिनर पेपर चेक करेगा कि इसको आधा मार्क मिला, आंसर विद प्रॉपर यूनिट एक मार्क, ऐसे दो मार्क करके लॉक करता। तो ये करेक्ट नंबर डाले के लिए ब्लैक पेन से ऐसे राइट करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे ब्लैक तो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, दिखेगा नहीं आप लोगों को, तो इसलिए बेटा इसको ऐसा करता, करेक्ट मार्क, और ये भी करेक्ट है, देखता है बराबर दिया कि नहीं नंबर। ये होता मॉडरेटर का काम। अगर आप लोगों को, जैसे कि डिपेंड करता है हर साल के ऊपर डिपेंड करता है, 90-95 कितने हायर केसेस लेना है डिपेंड करता है। अगर ये दो लॉक पेपर आपका सबका पेपर, भले आपको 5 मार्क हो, 0 हो, 25 हो, 50 हो, 100 हो, कितने भी मार्क हो, ये तो पेपर चेक दोनों लोग करते ही, एग्जामिनर और मॉडरेटर। तीसरी बात, इसलिए बच्चे क्या करते हैं, ब्लैक पेन इस्तेमाल करते ना, तब दिक्कत आती है बेटा, वो राइट मारा है कि नहीं मारा, कंफ्यूज होता। तो इसीलिए सभी जितने मॉडरेटर हो, चीफ मॉडरेटर, सजेशन देते हैं बच्चे लोगों को हर साल, लेकिन अब पैंडेमिक की सिचुएशन करने में आपको पता नहीं है, इसलिए ब्लू पेन फॉर स्टूडेंट मैं लिख रहा हूं यहाँ पे जानबूझकर, फॉर स्टूडेंट, ये स्टूडेंट के लिए है। और एक पेन रहता अगर हायर केस में चले गए तो उसको कहते हैं चीप, है ना, मॉडरेटर बोलते हैं। ये चिप मॉडरेटर बेटा यहां पे ग्रीन पेन इस्तेमाल करते हैं। कौन सा ग्रीन पेन, ये पेन, मतलब ये पेन के कलर डिसाइड किए गए बेटा, एग्जामिनर पेपर चेकिंग करने वाला जो टीचर होगा उसके ऊपर मॉडरेटर, चिप मॉडरेटर, फिर आपके लिए जो पेन है वो ब्लू पेन ही इस्तेमाल करने चाहिए, पेन चेंज मत कर। हाँ, कुछ बच्चे बोलते हैं कि ब्लैक पेन और ब्लू पेन दोनों लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, लिखने का ऐसा कोई ये नहीं है, दो पेन हो सकते हैं आपको, ब्लैक पेन और ब्लू पेन, लेकिन मेरा सजेशन पर्टिकुलर, ये मैसेज क्यों फॉरवर्ड कर रहा हूं, बात समझ में आ रही है, कि जब मॉडरेटर जब टिक करता है ना तब दिक्कत आने लगती है, प्रॉब्लम आते हैं, समझ में नहीं आता जल्दी से, तो इसलिए ब्लू और बॉल पेन ये इंपॉर्टेंट बेटा, बॉल पेन, ठीक है, तो ये पेन इस्तेमाल करना चाहिए। जो बच्चे अभी भी बोर्ड से, फिजिक्स से डर रहे हैं, उनके लिए एक खुशखबरी है। सर क्या खुशखबरी दोगे, कि यार उनके लिए अभी भी अगर तैयारी नहीं है, उनको लगता है कि मुझे अच्छे नंबर लेना है, तो बेटा हम लोग नून के साथ अलग अलग कोर्स लॉन्च किए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस कोर्स को आप लोग, जिनको लगता है MST CET भी मेरी अच्छी होनी चाहिए, उनके लिए नून लेके आया है न्यू कोर्स बेटा, फिजिक्स रिवीजन प्लस MST CET के लिए एक ब्रिज कोर्स बना है। इसमें ने क्या, आप लोगों को बोर्ड के कॉन्सेप्ट और CET के कॉन्सेप्ट को एक ब्रिज बनाया जा रहा है, मतलब बोर्ड की तैयारी करते करते CET के कॉन्सेप्ट लगते हैं वही पढ़ाएंगे हम लोग, उसमें वन शॉट महा रिविजन जैसे लेक्चर भी ले रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी बच्चों को, रात को 9 बजे मेरी क्लास रहती है फिजिक्स रिविजन प्लस MST CET विद मुकेश सर, एवरीडे 9 PM ऑनवर्ड होता है। 18 तारीख से कोर्स चालू हो चुका है। जिन बच्चों को लगता है कि डर, और जिनको लगता है कि यार मेरी पूरी पढ़ाई हुई लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो ऐसे बच्चे के लिए कोर्स है। तो चलो यार, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक करता हूँ बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।